तो भाई बीडीएम भाई टायर लेके आ चुके हैं, टायर लगाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई बहुत लेट हो गया, 11:30 बजने वाला है अभी। तो गुरु टायर जो है वो पंक्चर हो गया है, पंक्चर कहाँ से हुआ है वो देखना पड़ेगा। 1:30 बजे मैं मंडी आया हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं 1:30 बजे किसी मंडी पहुँचा हूँ। माल महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु आज का वीडियो जो है शुरू होने वाला है, घर से कर रहे हैं और चल रहे हैं हम लोडिंग पे बनारस। लोडिंग होगा जो अपने गाड़ी में, वो लोडिंग होगा पलाई महमूरगंज से। तो पलाई लोड करने जा रहे हैं भाई, तो चल रहे हैं यहाँ से अपन लोडिंग पे। जो है कि कल गाड़ी वाड़ी बनवा के आए थे, आपको पिछले वाली वीडियो में बताए ही थे। तो यहाँ से चलेंगे और आज का सफ़र शुरू करेंगे आप लोगों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गुरु घर से निकल गए और चल रहे हैं अब लोडिंग पॉइंट पे। ये छोटे छोटे बच्चों को लोग सड़क में बिठा देते हैं, क्यों समझ नहीं आता है, छोटे बच्चे हैं, इनको सड़क में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि मैं तो धीरे आता हूँ, बहुत से गाड़ी वाले हैं बड़ी बहुत तेज़ आते हैं, चोट वोट लग जाए कुछ हो जाए तो इन लोगों को कुछ उससे समझ आता नहीं है। भाई बच्चे पैदा करते हो तो उसको रखने की भी वो करो यार, मतलब ऐसे सड़क में छोड़ दे रहे हो जैसे लावारिस बच्चे हैं, घर में खेलने बोलो, सड़क पर बच्चे कोई उठा ले जाए कुछ कर ले जाए, जुग जमाना बड़ा ख़राब है यार। ठीक है, पर क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी वो है। तो चलिए अपन तो चलते हैं भाई, हाँ यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु मैं पहुँच चुका हूँ अदलाहट मार्केट में और देखिए अभी आरटीओ जो है वो हटा है, मतलब आरटीओ रोड पे नहीं है, तो ट्रक वालों को लोकेशन मिला है और एक साइड से पूरी ट्रकें ही हैं। गाड़ी बढ़े तो मैं आपको दिखाऊँ, पूरी ट्रक जो है लगी हुई है एक नंबर से, मेरे पीछे भी साइड ग्लास में देख सकते हैं ट्रक ही दिख रही होगी, इधर भी ट्रक, मतलब हर जगह ट्रक ही ट्रक है फिलहाल के लिए। देखिए उधर दाहिने में ट्रक घूम रही है राइट साइड में, मतलब ए ऑटो काहे घुसत हुआ गुरु, इधर यहाँ का देखत हुआ जबरी। तो चलिए दिखाते हैं आपको ट्रक, अरे डिवाइडर किसी ने ठोक दिया, डिवाइडर में गिर गया भाई, इधर वाला डिवाइडर जहाँ बाइक खड़ी है ये देखिए। दे मालिक, चलिए यहाँ से चलते हैं फिर मिलते हैं। तो गुरु पहुँच गए हम बरईपुर, मतलब बरईपुर से आगे मिर्ज़ापुर वाराणसी हाईवे जो हनुमाना और हो जाता है, तो अपने को बनारस जाना है। तो अभी यार लोडिंग पे भी जाना है और चार्जर चेंज करना है, दोनों सिस्टम समझ नहीं आ रहा कैसे करें। अब गाड़ी खड़ा करके एक जगह जाना पड़ेगा चार्जर चेंज करने के लिए, क्योंकि चार्जर के लिए अलग ही सिस्टम है यार, देखते हैं कैसे जाना है, पर जाके चेंज करके ही आएंगे, और बिना चेंज किए तो आएंगे नहीं, बिना चेंज किए काम ही नहीं होने वाला है, तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर बैटरी ख़राब हो जाएगी दूसरे चार्जर। मेरा पुराना वाला चार्जर वो पड़ा है देखिए, सैमसंग का ब्लैक कलर 17 वाट का, उससे चार्ज करता हूँ, इसमें 25 वाट के चार्जर से चार्ज करने के लिए आता है। 25 वाट का चार्जर लिए तो थे लेकिन लग गए उसके, क्या ही कर सकते हैं। चलिए जाते हैं चेंज कराएंगे देखेंगे, तो पहले यहाँ से चलते हैं फिर मिलते हैं आगे। पहुंच गए हम टेंगरा मोड़ बाईपास और जाम लगा है भाई, पता नहीं क्यों ट्रैफिक लगा है। देखिए बाईपास हो रहा, ये हो रहा, उस पर से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, और ये जो है इधर जाम लगा है अपने तरफ। हाँ बाबा आ रहे हैं, चेंज ना बाबा, तो बढ़ रही है धीरे धीरे भाई, 5-7 मिनट से खड़ा हूँ अभी बढ़ रहा है, तो यहाँ से चलेंगे, पहले चार्जर ही बदलना है, बात हो गया, सूर्यभान फ़ोन उठाया था तो चलेंगे। अरे यार इतना जल्दी हो जा, हाँ तुम घुसो, तुम भी घुसो, हम तो मूर्ख हैं। तो गुरु पहुँच गए हैं हम रामनगर और सामने हमारे हैं रामनगर किला, और अभी जो है मैं मार्केट में हूँ, किला वो रहा दिखाए एक बार और देख लीजिए, वो रहा किला और हम हैं रामनगर मार्केट में, ये देख सकते हैं इधर मार्केट लगता है पूरा, इधर इधर हरे कृष्ण। अब इधर जगह गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है, नहीं तो मेरे कान का इयररिंग गिर गया लेना है भाई, हंसना मत, कान में मैं भी पहनता हूँ एक वाले, राइट वाले कान में, तो लेना था बट ठीक है ले लेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। तो भाई देखिए आए थे हम लोडिंग पॉइंट पे, अपना लोडिंग पॉइंट जो था आपको दिखाए कि यही लोडिंग पॉइंट है, अपन आए थे लोडिंग पॉइंट पे और अपनी गाड़ी जो है लोड यहाँ नहीं हो पाई, मैंने ही नहीं करवाया, और क्योंकि मेरा दूसरा भाड़ा जो रोज़ वाला है वो आ गया, तो यहाँ पर दूसरी गाड़ी जो है वो मैं मंगा दिया हूँ, वो गाड़ी चल के आपको दिखाता हूँ, वो गाड़ी वहाँ पर लगी है लोड हो रही है, मैं यहीं पर खड़ा था, मेरा चार्जर मैं गया था बदलने, तो
चार्जर जो है ठीक है यार, चार्जर खराब ही नहीं था, दो दिन चार्ज कल से लेके आज तक चार्ज ही पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, तो चार्जर ठीक था, सर्विस सेंटर में गए चार्ज होने लगा, हमके गजब बकचोदी है यार, अजीब हो गया। ठीक है तो चलिए आपको दिखाते, पहले वो गाड़ी लोड हो रही है प्लाई, वो जाएगी छत्तीसगढ़ और मैं वापस से जाऊंगा बिहार ताजपुर, तो चलिए। तो गुरु ये वो गाड़ी है जो हमने मंगाई थी, ये जो है लोड कर रही है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा अपना भाड़ा आ गया है, अजय भैया वाला अजय भैया मना कर दिए कि मत जाओ, मुझे जाना है बिहार ताजपुर वापस से, तो शाम की लोडिंग है, अभी तो एक बज रहा है, एक क्या दो बजने वाला है, बज गया है, तो ये गाड़ी लोड होगी, इसको लोड करने के करवा के फिर मैं निकलूँगा अपना जो है लोडिंग के लिए चुनार, तो चलिए अब मिलते हैं आगे आप सभी से। तो गुरु वहाँ से निकल के आ गए हम मड़ुआड़ी चौराहे पे, ये है मड़ुआड़ी चौराहा और सिग्नल लगा हुआ है अभी, तो ये गाड़ी इतनी दूर है पर ठीक है, यहाँ से अब निकलेंगे अखरी बाईपास से फिर लोडिंग पॉइंट पे चुनार चौधरीपुर, वहाँ चल के लोड करेंगे भाई, और उसके बाद निकलेंगे फिर बिहार। आज तो जा रहे थे छत्तीसगढ़, पहुँच जाएंगे बिहार। चलिए यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु अभी जो है मैं वहाँ से तो निकल तो चुका हूँ, पर लगी है भाई अपने को भूख बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि सुबह से दौड़ रहे हैं एक बार खाना खा के, और अभी पहुँचूँगा मैं हंगर वैली, मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट, और वहाँ पे फिर से वाइट सॉस पास्ता दबा के खाएंगे, भूख लगा है भाई, इसके बाद फिर शाम को जो खाया जाएगा देखा जाएगा। तो अभी चलते हैं हंगर वैली और कुछ खाते पीते हैं। यार ये लोग घुसते हैं ना, मेरे को बड़ी खुन्नस आती है, ऐसे जाएंगे धाप करके घुस जाएंगे, इसे लगेगा कि एकदम क्या बताया जाए। खैर छोड़िए चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं आपको अब रेस्टोरेंट में। तो गुरु आ गया है ये अपना पास्ता, मुझे लगा था बहुत तेज़ भूख और बहुत दिन बाद पास्ता है, पास्ता खाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से, खाना वाना खा के मतलब पास्ता खा के, क्योंकि भूख लगा था सुबह का 11 बजे का खाना खा के आया था, और ये रहा पास्ता, और आज वैलेंटाइन डे है तो देखिए उधर कपल्स बैठे हुए हैं दूठो। तो गुरु लोडिंग पॉइंट पे जो है हम आ गए थे, आके सो गए थे, सो के अभी से उठ रहा हूँ तो देख रहा हूँ भाई कितना बज गया, छः मतलब डेढ़ घंटे में सो भी लिया, तो लोडिंग पॉइंट आपको दिखाते हैं। तो गुरु ये है लोडिंग पॉइंट, बहुत दिन बाद लोडिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब नहीं अभी बीच में भी आए थे पर दिन में आए थे बहुत दिन बाद, ये रही अपनी गाड़ी लगाए हुए हैं और सो के उड़ गया हूँ, अभी देखो गाड़ी माल लेके आएगी, तो माल आएगा तो यहीं पर अपना लोड होगा, ये टेम्पो हटेगी और ये लोड होगा मेरा, तो देखते हैं कब तक कितने बजे तक लोड होता है, तो चलिए गाड़ी आती है फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु ये जो है गाड़ी अपनी लोड हो रही है, रात को 8 बजे मैं अभी खेत में आया हूँ, ये खेत है और लोडिंग पॉइंट से लोडिंग नहीं हुआ, मुझे खेत में आना था, अजय भैया बोले खेत में जाके लोड कर लो, तो ये आए हुए हम खेत पे, देखिए मिर्चा है ये, और लोड करते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु गाड़ी जो है वो हो गई लोड, गाड़ी लोड करके मैं निकल चुका हूँ, और जो है फ्लैश चालू हो गया था जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही उजाला हो गया, तो भाई अब यहाँ से मैं निकल गया हूँ और अभी चलूँगा हाईवे पे, उसके बाद ताजपुर मंडी, और बने रहिए आज हमारे साथ सफ़र में, हम आपको सब बताएंगे दिखाएंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और उसके बाद जो है भाई हमने अंबिकापुर वाला भाड़ा छोड़ दिया, अगर वो वाला भाड़ा हमने लादा होता जो था अप्लाई लोड करने गया था, जो वो गाड़ी लोड हो रही थी हम वापस चले आए, वो अगर लोड किया होता तो भाई मुझे अच्छा खासा पैसा बच जाता, कम से कम 10 से 11 हज़ार रुपये उसमें बचता, पर फिर उसमें जाना आना लोड होता वहाँ से नहीं होता सब वो था, इसकी वजह से हम कहे ये वाला भी आ गया, तो हम कहे चलो नहीं तो वो तो लाद के जाने ही वाले थे, क्योंकि लोड करके जाने के लिए ही गए थे, पर क्या कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं आप सभी से अब। तो गुरु टायर जो है वो पंक्चर हो गया है, पंक्चर कहाँ से हुआ है वो देखना पड़ेगा, टायर में चेक कर रहा हूँ, टायर तो खोल दिया हूँ पर पंक्चर कहाँ से ये चेक कर लेता हूँ एक बार, मिल गया तो ठीक नहीं तो दिखाएंगे टायर वाले को कहाँ से पंक्चर है, हवा बहुत तेज़ निकला है, अब कहाँ से हुआ है क्या मालूम, यहाँ से तो नहीं मुश्किल है, इधर देखें इधर से भी कहीं से नहीं है यार, साइड से भी और इधर से भी मुश्किल, तो दिख नहीं रहा है भाई, टायर खोल दिए हैं, आगे देखते हैं कोई पंक्चर वाला है तो पंक्चर लगवाते, क्योंकि स्टेपनी मजबूत है नहीं और अपने पास समय भी है अभी,
10 बज रहा है तो समय बहुत है, निकल जाएंगे टाइम पे। तो चलिए पहले देखते हैं इसको, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु पंचर वाले ने ना टायर बनाने से पंचर मना कर दिया, दोनों टायर जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अभी अंधेरा है, कोई गाड़ी आएगी तो दिखेगा, हमारा फेस भी अंधेरे में है, तो दोनों यहीं पे है। भाई बीडीएम भाई को बोला हूँ, बीडीएम भाई स्टेपनी लेके आ रहे हैं, क्योंकि बनारस से मैं 4 किलोमीटर आगे ही हूँ, तो वो अपना स्टेपनी देंगे। मैं जाऊँगा स्टेपनी लगा के, फिर उस वाले को बनवाऊँगा, मतलब वो वाला टायर बनवा दूँगा और बीडीएम भाई की स्टेपनी लगा के जाऊँगा। शायद बीडीएम भाई आ गए, शायद गाड़ी लग तो रही है, पता नहीं। तो नहीं, ये नहीं है वो। तो भाई जो है आप इसको बनवा के देंगे, एक स्टेपनी दे देंगे बीडीएम भाई को, अपना बनवा लेंगे और कल आके उनको स्टेपनी देंगे। और कल जो है मैं एक नया टायर लूँगा, क्योंकि ये टायर चलने जैसा एकदम रहा नहीं, तो कल एक नया टायर लूँगा, फिर उसके बाद जो है जो देखा जाएगा। तो ठीक है यार, बीडीएम भाई आते यार, हेल्प कर दिया बंदे ने रात को। तो भाई ये बीडीएम ब्लॉक भाई टायर लेके आए, रात के 11 बज गए, 11 बजे बंदा टायर लेके आया मेरे लिए। तो भाई इनको मतलब मैं वॉइस डब कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पर्सनल बातें करते हैं वहाँ पे, तो वो कुछ बातें जो थी वो मैं सुना नहीं सकता हूँ, तो वही है। तो ये अपना स्टेपनी लेके आए हुए हैं बीडीएम भाई, ये स्टेपनी मैं लगाऊंगा और स्टेपनी लगाने के बाद मैं निकलूंगा यहाँ से। बंदा भाई आधी रात को मैं फ़ोन किया, वो अपने घर से, यहाँ से उनका घर तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ से स्टेपनी लाए सिर्फ मुझे देने के लिए। तो पहले स्टेपनी फिट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई वहाँ से निकल के जब पंचर बनवा के डायरेक्ट हम जो है अभी पहुँचे हैं बेटा, बीच में वीडियो चालू नहीं की, क्योंकि 11:30 वहाँ बज चुके थे। बीडीएम भाई ने हमें लाके टायर दिया था और लगाए, और वहाँ से डायरेक्ट निकल गए और खींचे खींचे आए, और यहाँ पे 2 बजे हम आ गए। सोचो 2:00 कुछ मिनट, 2:21 हो रहा था आई थिंक, 2:21 में हम बेटा आ गए थे। और बेटा में इस टाइम जाम है भाई, अभी बज गया सुबह के 4:21, तो 2 घंटे ट्रैफिक में निकल गए पूरे के पूरे। और देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं इधर आगे, हद है मालिक, भगवान गजब लीला है इन लोग की, क्या बताया जाए। और इसी बेटा में ही जाम रहती है जब रहती है। तो अब मंडी जाने मुझे 6:30 बज जाए, क्योंकि 4:30 तो यहीं बज गए हैं, तो 6:30 के आसपास बज ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू गाड़ी चलेगी, तो अब आप सबसे बातचीत होगी सीधे मंडी में, क्योंकि अब गाड़ी पे कंसंट्रेट करना है यहाँ से निकलने के बाद। अभी 2 घंटे बाद मैं पढ़ रहा हूँ दोस्त। तो दोस्तों पिछले 3 घंटे से मैं ट्रैफिक में खड़ा होकर सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये लाइन जो है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये मुश्किल से 1 किलोमीटर बड़ी होगी 3 घंटे में, पर इस वाले लाइन से धड़ाधड़ गाड़ियाँ जा रही हैं। ये गाड़ियाँ जा कहाँ रही हैं, और कितनी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं भाई, जो ख़त्म ही नहीं हो रही। और हमारा वाला है कि 1 किलोमीटर बढ़ा है, बस सिर्फ 1 किलोमीटर, क्या बताएं, क्या पता करे कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, हद है मालिक। तो गुरु ये है गाड़ी मेरी, और बज रहे हैं 1:30, मैं 1:30 बजे ताजपुर मंडी में पहुँचा हूँ। पूरा जब ख़त्म हो गया सब, तब पूरा खेला हो गया रात को मेरे साथ, मेरा पैंट देख सकते हैं, हाथ देखे क्या हालत है मेरी, क्योंकि ट्रैफिक में उसके बाद टायर पंचर हो जाना, मैं एकदम थक चुका था। बीच में कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, डायरेक्ट अब मंडी में आके बना रहा हूँ, बड़ी परेशान हो गया हूँ भाई। ये पूरी मंडी देखिए सुनसान पड़ी है, ये माल पूरा उतार रहे हैं, अब इसको बेचेंगे अपना, जब तक बेचे और भाड़ा देखिए देते हैं क्या करते हैं, कुछ पता है नहीं भाई। लेट तो हुआ हूँ पर अपनी वजह से नहीं। तो गुरु मैं मंडी में ही हूँ, गाड़ी खाली हो रही, देख रहे हैं वैसे ऐसे मोबाइल हिल रहा, मतलब गाड़ी खाली हो रही है, आपको दिखाया है। 1:30 बजे मैं मंडी आया हूँ, और पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं 1:30 बजे किसी मंडी पहुँचा हूँ माल लेके, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि 1:30 बजे पहुँचूँ। ट्रैफिक तो ट्रैफिक में खड़ा था, अचानक निकलने लगा मेरे टायर से हवा, जो बीडीएम भाई की स्टेपनी थी उससे, थोड़ा सा आवाज़ लो है भाई, क्योंकि कल से खाना ही नहीं खाया, इसी टाइम का कल का खाना खाया हूँ, शाम को भाई वाइट सॉस पास्ता खा लिया बस, फिर टायर जो है वो मेरा रिंग फट गया, वो सब चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा, रिंग जो है वो फट गया, और फटने के बाद जो है हल्का सा ट्यूब में मार दिया तो मेरा टायर पंक्चर हो गया। रिंग इतना फट रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब अलग अलग कलाकारी हो रही है अपने साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इतना तेज खाए भी, ठीक है तो बैठ जाता हूँ, बैठने का मन भी नहीं कर रहा है पर फिर भी ठीक है यार। तो ट्रैफिक में खड़ा था, सुबह बज गया था 5:30 बजा था ना उसी टाइम,
टायर से हवा निकलने लगा, तो हम कहे किसके टायर से निकल गए, देखे तो हम कहे मीडियम भाई के टायर से हवा निकल रहा है। तो उसको फिर खड़ा किया, देखा आसपास पंचर वाले तीन थे पर कोई बनाने को तैयार नहीं था, और ट्रैफिक वैसे का वैसे। फिर मैं गाड़ी साइड में लगाया, दो घंटे वहाँ खड़ा था, 5 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे खोला टायर का दुकान, उनको दिया कि भैया बना दीजिए, बेचारा टायर खोल ही नहीं पा रहा, करते करते बज गया 9। बनवा के 9 बजे जो है वापस आए रोड पे, और निकलते निकलते ट्रैफिक से बज गया 10:30। 10:30 बजे निकले हैं और अभी से मंडी आ रहे हैं 1:30 बजे यहाँ पे। गाड़ी खाली हो रही है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, अपना कोई गलती है नहीं। देखिए इसमें ट्रैफिक था, ट्रैफिक में मैं क्या ही कर सकता था। पर मेरी जो है ना, ये देखिए हालत, हाथ ये वाला हाथ, कपड़े मैंने दिखाए ही उसमें, ठीक है। तो अभी भूख लगी है तो खाना खाने जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को ही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।